अस्सलाम वालेकुम नाजरीन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन आज मैं बना रही हूँ बर्गर बन तो जिसके लिए मैंने एक आधी प्याली ली है दूध की नीम गर्म दूध है ये इसमें मैंने एक टेबल स्पून डाली है यीस्ट और अब मैं इसमें एक अदद अंडा डाल दूँगी इनको मैंने इसके साथ मिक्स करना है उसके बाद मैंने डाली है दो चम्मच ये टेबल स्पू ऑयल है थोड़ा सा ये नमक है चुटकी भर उसके बाद मैंने डालनी है डेढ़ चम्मच चीनी डेढ़ चम्मच चीनी डालूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद डालना है हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर के बगैर तो ये बन ही नहीं सकते क्योंकि उसने इसे फुलाना है बेकिंग सोडा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें ये देखें कुछ लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही समझते हैं नहीं ये अलग अलग है मैंने तीन कप मैदा छान के रख लिया था इसमें मैं इसे मिक्स कर दूँगी इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसे आटे की तरह बना लेना है जैसे हम आटा गूँध लेते हैं उसी तरह से इसे मैंने गूँध लेना है ये अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स हो जाएगा इसे मैंने चम्मच से मिक्स कर रही हूँ तो ये इसी से हो जाएगा इन इसमें पानी वगैरह नहीं डालना क्या आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल दें और मैदा ज़्यादा कर दिया तो चलो भाई ज़रा बड़े हो जाएंगे या कुछ नहीं बस जितना आपने नाप कर लिया है उसी हिसाब से रखना है इसे ये देखें ये आटा तैयार हो चुका है मेरा अब इस पे मैंने लगा देना है ऑयल और इसे रखना है तकरीबन डेढ़ घंटे के लिए ताकि ये इसमें खमीर उठ जाए अच्छी तरह से और फिर ये फूलेंगे बंद जितनी ज़्यादा देर पड़े रहेंगे उतने ही ये ज़्यादा अच्छी तरह से बंद जो है वो फूल जाएंगे तो अब मैं इसे एयर टाइट कर देती हूँ ये सही से नहीं हो रहा इसे अच्छी तरह से होना चाहिए ये एक साइड से लगाती हूँ तो दूसरे साइड से निकलने लगता है तो मैं इसके लिए एक दूसरा बाउल लेती हूँ उसमें मैं इसे रख देती हूँ ये सही से नहीं हुआ है तो मैं इसे दूसरे बाउल में रखती हूँ ये देखिए यह टाइट था बिल्कुल मैंने इसे डेढ़ घंटे के बाद खोला तो ये इस तरह से फूल चुका था आटा ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया है अब इसे मैंने एक ट्रे में डाल के इसके पेड़े बना लेने हैं पांच या छः जितने भी बने आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के से बना लें कि भी आपने इतने बड़े लेने हैं आपने कितना बड़ा इसमें कबाब रखना है या बच्चों को किस तरह से देने हैं तो ये इस तरह से मैंने चार पांच पेड़े बना लेने हैं ये देखें ये पाँच पने हैं एक ज़रा छोटा हो गया है चलिए कोई बात नहीं किसी छोटे बच्चे को दे देंगे और ये अब मैं इस पर ना थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दूंगी तकरीबन इससे मैंने पंद्रह बीस मिनट के लिए मज़ीद रखना है इस तरह से मैंने ट्रे में डाल के ऑयल लगा लिया है और इसे इस मैंने अब ढाँक के रख दिया है ये इस तरह से कपड़े से ही ढाँक के रखना है इसे किसी और चीज़ में बंद नहीं करना तब तक के लिए मैं ओवन को चलाकर उसे रख लूँगी तकरीबन दस मिनट उसे पहले चला देना है ताकि वो कुछ गर्म हो जाए तो ये तैयार हो चुके हैं अब मैंने इसके ऊपर लगाना है अंडे की जर्दी सफेदी मैंने अलग कर ली है और ये मैं इस पर अब जर्दी लगा रही हूँ चले भाई छोटू से ही शुरू करते हैं छोटू पे पैं लगा लूँ किसी छोटे बच्चे को ही देंगे तो उस घर में माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी हैं ये देखें ये हो गए तैयार अब इसे मैं रख देती हूँ ओवन में तकरीबन ऐसे मैंने पच्चीस मिनट इसका टाइमर लगा दिया है ये पच्चीस मिनट के बाद इनशाला तैयार हो जाएंगे तो हाँ जी ये देखें ये बन रहे हैं अब ये तैयार हो चुके हैं मैंने निकाल लिए हैं मैंने छुरी डाल के लगा कर देख लिया था कि भाई क्या ये पक चुके हैं या नहीं अंदर से ये देखें कितने ज़बरदस्त पके हैं नर्म बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ये तैयार हो चुके हैं अब मैं जिस तरह से चाहे उसे इस्तेमाल कर सकती हूँ ये देखें ये ये हो चुके हैं तैयार अंदर से भी मैंने आपको दिखा दिए खोल के ये दोनों साइड से तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बहुत शुक्रिया मेहरबानी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह फ़ी अमान